अब मुझे और अपने पिताश्री को अनुमति दो पुत्री, किंतु विश्वास रखो कि तुम हमारे मन में सदैव रहोगी। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। ये पुष्प कितने सुंदर हैं। ये पुष्प उड़कर मुझे कहाँ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अशोक सुंदरी कहीं आनंद में खोकर इस सीमा से बाहर न चली जाए। नहीं पुत्री, इसके आगे जाना उचित नहीं। इस वन की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु यहां से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना। माँ, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मैं अपने दिव्य रूप में ही यहाँ से बाहर जाऊंगी। प्रकार समय बीतता गया। पुत्री अशोक सुंदरी संतोष और आनंद का विस्तार कर सभी के दुख संताप हरने लगी। उसने चारों ओर प्रसन्नता का विस्तार किया और लोगों के जीवन में सुख एवं संतुष्टि ले आई। माता, निराशा से आशा और कामनाओं से संतुष्टि की यात्रा करवाने वाली दीदी अशोक सुंदरी ही है। हाँ प्रातः गणेश, परंतु मेरे लिए ये तब भी संभव है जब कोई सच्चे हृदय से सत्कर्म करे, धर्म का पालन करे और प्रभु के प्रभुत्व में विश्वास रखे। किंतु माता, दीदी अशोक सुंदरी को दिव्य रूप धारण किए बिना नंदनवन से बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं थी? क्या उन पर कोई संकट छा सकता था? हाँ पुत्र, एक असुर था जिसने धरती पर आतंक फैला रखा था और उस असुर का नाम था हुण। Thank you.
हुंड हूं मैं, महाराज हुंड। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। कैसे संभव है? हुंड के आतंक से इन्हें किसने मुक्त किया? और ये किसकी धुन है जिसने इन सब में एक नया विश्वास जगा दिया? देखता हूं और बुझा दूंगा उसके जीवन की ज्योति को। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। रोकने का दुस्साहस किसने किया? सुंदरी, हुंड हूं मैं। जहां चाहता हूं वहां जाता हूं, जो चाहता हूं उसे पाता हूं। फिर चाहे कैसा भी सुरक्षा चक्र क्यों ना हो, उसे भेदूंगा भी और तुम्हारे निकट आकर तुमसे विवाह भी करूंगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। बल नहीं तो कोई और उपाय करूंगा, किंतु तुम्हें अवश्य प्रभावित करूंगा सुंदरी। देखो सुंदरी, कैसे इस स्थान में मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिए। कैसे आकृष्ट करूं इस सुंदरी को मैं? Thank you.
समझ गया, ये कोमल निर्दोष सुंदरी न तो किसी असुर से आकर्षित होगी और न किसी ऋषि से। इसके लिए तो मुझे कोई अनोखा ही रूप धरना होगा। हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। सुंदर, अति सुंदर। उचित समय आने पर तुम्हारी बेटी नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। तो क्या ये राजपुरुष ही नहुष है? जैसा देश वैसा भेष, संगीत प्रेमी राजपुरुष का रूप धरकर उचित किया मैंने। अब बस इस सुंदरी को अपने संगीत के सुर में डुबोना है मुझे। कदाचित ये सुंदरी इतनी सरलता से प्रभावित नहीं होगी, मुझे संगीत का और कौशल दिखाना होगा। जो भी है, संगीत की कला में पारंगत है। आओ सुंदरी, आओ मेरे संगीत में रम जाओ, मेरे निकट आओ। ये क्या हुआ? ये वहीं क्यों रुक गई? आओ सुंदरी, आओ मेरे संगीत में रम जाओ। ये हुंड तो आपको रिझाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था दीदी। तुम उचित कह रहे हो प्रातः गणेश, उसने मुझे अपने संगीत से प्रभावित किया था और बस एक ही पग रखती तो मैं नंदनवन के बाहर पहुंच जाती। अब रुकना मत सुंदरी, अपना पग वहां से बाहर रखो। ये जो भी है, इनकी दृष्टि इतनी लालसा भरी क्यों है? उसमें कपट की झलक क्यों है? यहाँ से बाहर जाते समय अपनी कोमल बालिका रूप को नहीं, अपितु अपने दिव्य रूप को धारण करना। इस वन की परिधि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। माँ की बात मानने में ही मेरी भलाई है। उचित समय आने पर तुम्हारी भेंट नहुष से होगी, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। नहीं, ये नहुष नहीं, अन्यथा मुझे इस पर और इसकी दृष्टि पर तनिक भी शंका नहीं होती। कुछ विशेष नहीं, केवल इसके संगीत ने प्रभावित किया है। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गई? क्या आपको मेरा ये संगीत
भया नहीं? आपकी डफली की ताल और वीणा का मधुर संगीत दोनों ही अत्यंत अद्भुत है, किंतु आप वही है ना जो पहले ऋषि और योद्धा रूप में भी आए थे? मैं स्वीकार करता हूं, वो मैं ही था, महाराज हुंड। आपको देखते ही आपकी सुंदरता और सरलता पर मैं मुग्ध हो गया, आपसे प्रेम करने लगा और आपसे विवाह का इच्छुक हूं। मैं आपकी भावनाओं और आपके दृढ़ निश्चय का सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मैं एक असुर हूँ? क्योंकि मेरा विवाह नियति ने पहले ही तय कर दिया है और मेरा मन अपने उसी वर के लिए समर्पित है। और एक बार स्त्री अपने हृदय में किसी को स्थान दे चुकी हो तो उसमें किसी अन्य को स्थान मिलना कैसे संभव है? अच्छा, कौन है वो जिसके प्रति आप समर्पित हैं? नाम क्या है उसका? और यदि उसी के साथ आपकी नियति निर्धारित है तो नियति ने उसे आपसे दूर क्यों रखा है? उचित है, यदि आपको उनका नाम जानकर ही संतोष होगा तो सुनिए, उनका नाम होगा नहुष। नहुष होगा, नाम होगा, अर्थात? अर्थात ये असुरराज हुन कि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, परंतु मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। ये कैसा परिहास है सुंदरी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उससे विवाह करेंगी, उसकी प्रतीक्षा करेंगी? रुकिए सुंदरी, असुर हूं मूर्ख नहीं, और इन मूर्खतापूर्ण कथाओं में मैं उलझने वाला नहीं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हुंड हूं मैं, हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। चाहूं तो तारों को टिमटिमाना भुला दूं, नदियों की दिशा बदल दूं, आकाश को धरती पर उतार दूं, अपने छल से और बल से मैं किसी को भी विवश कर सकता हूं। सुनो सुंदरे, किसी अजन्मे की प्रतीक्षा मत करो, तीनों लोकों की साम्राज्ञी बनाऊंगा तुम्हें। छल से बल से किसी को भयभीत किया जा सकता है या युद्ध में किसी पर विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु एक स्त्री के हृदय पर नहीं, और ना ही उसे भयभीत किया जा सकता है। किंतु किंतु परंतु कुछ नहीं हूं, अपने बल छल और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, और फिर कभी लौट कर वापस मत आना। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं उसे नारी के आत्मसम्मान को खंडित करने का प्रयास समझूंगी और तुम्हें शाप देकर यहीं भस्म कर दूंगी। कठोर शब्दों में आपकी चेतावनी सुनकर फिर हुंड का लौटने का साहस तो नहीं हुआ होगा ना? मेरा भी यही विश्वास था, किंतु किंतु जैसा सर्वज्ञात है, न तो अहंकार में डूबे हठी असुर को उसके हट से दूर किया जा सकता है,
न ही भक्ति में डूबे भक्त को उसके भक्ति भाव से रिक्त किया जा सकता है। भक्ति में डूबा भक्त, माता अवश्य मनसा दीदी को लेकर ही ऐसा कह रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु, इस भोजन के लिए आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रभु, आपकी कृपा हो तो मुझे थोड़ा भोजन मिल जाए, बड़ी तीव्र भूख लगी है। इस भूखे को थोड़ा भोजन करवा दें प्रभु। हर हर महादेव। हे प्रभु, हे महादेव, ये भोजन आप ही की देन है और आप ही को समर्पित है। इस समय मुझसे कहीं अधिक आवश्यकता इस भोजन की इस वृद्ध भिक्षुक भक्त को है। घट घट में बसने वाले प्रभु, आपका तो सब में वास है, इस भिक्षुक भक्त में भी। ये लीजिए बाबा, भोजन ग्रहण कीजिए। कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी भूख तो इनके मुख पर प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव देखकर ही मिट गई। अब बस थोड़ा जल पीकर अपनी भूख को शांत करता हूं। सत्य है ये, पिताश्री का महान भक्त है ये, सदाचार ही इसके जीवन का आधार है, तो इसे उसका फल भी मिलना चाहिए। चंद्रधर, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, अब समय आ गया है मुझे अपना कार्य करने का। इस भोजन को पाकर इसे मेरे चमत्कार में, मेरे अस्तित्व में और मेरी कृपा में विश्वास होगा, तो धीरे धीरे इसके मन में भी मेरी भक्ति जागृत होगी। इसके हाथ मेरे लिए नहीं जुड़े और ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा है, तो फिर ये किसका अभिवादन कर रहा है? हे प्रभु, हे महादेव, मुझे ज्ञात है आप ही का चमत्कार है ये, जो आपने मुझे फिर से भोजन प्रदान किया। अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते ना आप प्रभु, इसलिए आपने अपना प्रसाद मुझे प्रदान किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम।
शिव भक्ति के आगे तो इसे कुछ दिखता नहीं है, इसने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कल्पना का द्वार खुल जाए। धन्यवाद प्रभु। माता, फिर दीदी अशोक सुंदरी उस असुर के विवाह प्रस्ताव से कैसे मुक्त रही? उस दिन तो वो चला गया, किंतु दुष्ट की दुष्टता कहाँ थमती है। वो तो फिर लौटने का मन बना चुका था, छल करना चाहता था। इसलिए पुत्री अशोक सुंदरी को विश्वास दिलाने के लिए कि वो फिर नहीं लौटेगा, कुछ समय तो उसने कुछ नहीं किया। किंतु फिर एक दिन निराशा नहीं, पराजय नहीं, युक्ति योजना पर विचार करो और सफलता प्राप्त करो। सब क्या हुआ है? जैसे कोई बवंडर आया हो और सब तहस नहस कर गया हो। ये वृद्धा कौन है और इन्हें क्या हुआ है? होकर जा चुका है, फिर नहीं लौटा। वो नहीं है ये, ना ही उसका कोई छल हो सकता है। वैसे भी ये तो कोई पवित्र आत्मा ही लगती हैं, जिनके पास पिताश्री को प्रिय बेलपत्र है। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। मन की करुणा ही तुम्हारी दुर्बलता बनेगी सुंदरी।
अंततः ये सुरक्षा सीमा लांघकर मेरे जाल में फंस ही गए। त्याग भक्ति की पराकाष्ठा है, यही वो गुण है जो भक्त को सामान्य से विशिष्ट की श्रेणी में लाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।